असल दोस्तों आज हम एक्सरसाइज टेंी स्टार्ट करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर वन जो है इसमें कहा जी कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी सच दैट ए बी एस एट सेंटीमीटर बी सी एस सिक्स पॉइंट फाइव सेंटीमीटर एंड ट्राएंगल बी इज़ एटी डिग्री मई एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ ए सी तो अब हमने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन इसके करना है ये दो मैंने लिख लिए ठीक है <coughs> जो बेसिक्स है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी टू एक सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ अ स्केल एंड देन एट पॉइंट बी ड्रॉ एन एंगल ऑफ एटी डिग्री एंड एक्सटेंड द रे ठीक है अच्छा आफ्टर दैट इसके बाद जो है थर्ड जो है आपके पास क्या होगा यहाँ पे हमने क्या करना है जी एट सेंटर ठीक है एट सेंटर बी इसका मतलब है कि जी हमने बी पॉइंट को सेंटर uh, मतलब रखना है ठीक है कंपस आप यूज़ कर सकते हो कम्पस uh, से जो है आपने क्या करना है जी बी uh, की जो है uh, जो लेंथ है या सॉरी जो बी के जो पॉइंट है उस पर आपने कंपस uh, को रखना है एक सेंट uh, एक पॉइंट पर ठीक है और उसके बाद जो है आपने क्या करना है ड्रॉ एन आर्क ठीक है ड्रॉ एन आर्क ऑफ लेंथ ठीक है सिक्स पॉइंट फाइव सिक्स पॉइंट फाइव सेंटीमीटर अच्छा uh, ये जब आप कर लोगे ठीक है सिक्स पॉइंट फाइव सेंटीमीटर इसके बाद आपने क्या करना है आ, जो होगा विच कट विच कट रे बी एम एट पॉइंट सी ठीक है अच्छा अब इसके बाद क्या है जी फोर्थ वन क्या है ज्वाइन ज्वाइन ए टू सी टू गेट ट्राइंगल ए बी सी अच्छा इसमें अब हमने आ, मैं आपको आ, मतलब वैसे ही रफ़ली आपको ड्रा करके दूंगा <coughs> आप लोगों ने जो है फिर इसको खुद ड्रा करना है इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है एट सेंटीमीटर जो है ये आपने लाइन खींचनी है ठीक है ए सेंटीमीटर अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये ए है और ये बी है ये आपका एट सेंटीमीटर हो गया ये आपने स्केल से कर लेना है आफ्टर दैट सेकेंड जो है इसमें क्या क्या एट पॉइंट बी ड्रा एन एंगल ऑफ एटी डिग्री एंड एक्सटेंड द रे मीनस दैट विद हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर आपने क्या करना है इधर प्रोटेक्टर रखना है ठीक है यहाँ पे और यहाँ से आपने देखना है तो एटी डिग्री फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आ रहा है ठीक है तो आपने क्या करना है ये लाइन एक्सटेंड कर देनी है स्केल से इस तरह ठीक है ये लाइन आप एक्सटेंड कर दोगे अच्छा जब ये लाइन आप एक्सटेंड कर दोगे इसके बाद आपने क्या करना है एट सेंटर बी ड्रा एन आर्क ऑफ लेंथ जो है सिक्स पॉइंट फाइव सेंटीमीटर विच का टूडे बी एम अब यहाँ पे मैंने क्या करना है मैंने कंपस लेना है कंपस कम्पस को मैं इधर रखूँगा और सिक्स पॉइंट फाइव सेंटीमीटर जो है मैंने कंपस को खोलना है और एक आर्क लगा दूँगा जैसे मैं एक आर्क लगाऊँगा वो यहाँ लग जाएगा ठीक है अच्छा अब ये जो है इधर ये सी पॉइंट हो गया और ये जो है ना इसको मैं एम पॉइंट कह देता हूँ ठीक है ये एम पॉइंट हो गया अब मैंने क्या करना है स्केल की मदद से मैंने ए और सी को कनेक्ट करना है ठीक है तो ये जब आप इस तरह इसको कनेक्ट कर लोगे तो ये इस तरह हो जाएगा अब ये एट सेंटीमीटर हो गया ये सिक्स पॉइंट फाइव सेंटीमीटर हो गया अच्छा जी अब ये कितना होगा ये जब आप स्केल से देखोगे ना इट विल बी राउंड अबाउट नाइन पॉइंट फोर सेंटीमीटर ठीक है तो हमें जो कहा था कि आपने लेंथ ऑफ एसी फाइंड करना है तो ये हमारा हो जाएगा लेंथ ऑफ एसी। तो लेंथ ऑफ एसी इक्वल टू नाइन पॉइंट फोर सेंटीमीटर यह आपका जी क्वेश्चन नंबर वन हो गया है अब हम क्वेश्चन नंबर टू की तरफ जाते हैं क्वेश्चन नंबर टू जो है वो क्या कह रहे जी इसमें कह रहे जी कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी सच दैट ए बी इज इक्वल टू फाइव सेंटीमीटर ठीक है बी सी इक्वल टू नाइन सेंटीमीटर एंड ठीक है एंड बी ए सी मतलब एंगल ए जो है ये हमारा नाइन्टी डिग्री है अच्छा जी अब हमने क्या करना है मैयर एंड राइट डाउन मैयर एंड राइट डाउन राइट डाउन द लेंथ ऑफ राइट डाउन द लेंथ ऑफ ए सी सिमिलर क्वेश्चन है सिर्फ वैल्यूज चेंज की हुई हैं अब हम इसको करते हैं ठीक है और आ, उम्मीद करता तो आपको समझ भी आ रही होगी अच्छा ये सिंपल है ठीक है इसमें ए बी और बी सी की मेजरमेंट जो है ऊपर वाले क्वेश्चन में जो थी वो चेंज थी और इसमें चेंज है इधर एंगल एटी डिग्री दिया हुआ है इधर एंगल नाइनटी डिग्री दिया हुआ है तो सेम हमने इसी तरह इसको अभी सॉल्व करना है ठीक है हम लिखेंगे ड्रॉ अ ड्रॉ इज इक्वल टू अच्छा ड्रॉ टू क्या आ जाएगा आपका ये हो जाएगा फाइव सेंटीमीटर ठीक है ये आपका फाइव सेंटीमीटर हो गया अब हमने क्या करना है जब फाइव सेंटीमीटर हमने कर दिया तो विद द हेल्प ऑफ स्केल ठीक है विद द हेल्प ऑफ स्केल अच्छा जी अब इसके बाद क्या करना है सेकेंड में एट अ पॉइंट एट अ पॉइंट बी ड्रॉ एन एंगल ऑफ ड्रॉ एन एंगल ऑफ जी ड्रॉ एन एंगल ऑफ अब यहाँ पे क्या है जी नाइन्टी डिग्री है डिग्री ठीक an uh, है ड्रॉ एन एंगल ऑफ नाइन्टी डिग्री सॉरी एंगल ए नॉट बी ये एंगल ए है ठीक है एंगल ए इन लोगों ने दिए हुआ this is 90 degree. तो हमने क्या करने जी uh, यहां पे लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर ठीक है अच्छा जी थर्ड वन क्या करेंगे जी हम लिखेंगे <coughs> यहाँ पे हमने अब जो प्रोटेक्टर से कर लिया है तो <coughs> यहाँ पे आ, लिखेंगे आ, अब रह क्या गया जी बी सी रह गए ठीक है तो जब बी सी रह गया तो आपने क्या करना है आ, आ, ये नाइन सेंटीमीटर है ठीक है दिस वन बी सी इज़ नाइन सेंटीमीटर तो हमने क्या करना है जी आ, जिस जिस एंगल पे आपने किया हुआ है नाइन्टी डिग्री ना

स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन भी इसके लिखने हैं और इसको ड्रॉ भी करना है तो सबसे पहले जो है हम लिखते हैं स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ठीक है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन अच्छा जी फर्स्ट इसमें लिखेंगे हम ड्रॉ ड्रॉइन पी क्यू टेन सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ स्केल ठीक है स्केल की मदद मतलब से आपने ये लिखना है Uh, अच्छा अब इसके बाद सेकंड पॉइंट जो होगा वो हमारा होगा एट सेंटर पी एट सेंटर पी ड्रॉ एन आर्क ड्रॉ एन आर्क ड्रॉ एन आर्क वन ऑफ लेंथ टेन सेंटीमीटर ठीक है अच्छा <coughs> इसके बाद नेक्स्ट जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे At centre Q at Centre Q draw an arc, draw an arc two okay? of length nine centimeter, which cuts arc one. आरक वन एट पॉइंट आर ठीक है एंड देन द लास्ट पॉइंट विल बी ज्वाइन आर टू पी एंड क्यू टू गेट ट्राइंगल पी क्यू आर ओके जी ये स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हो गए ठीक है अब हमने इसको ड्रॉ करना है तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप मैं आपको रफली बताऊंगा कि पहले हमने क्या कि जी पहले हमने लाइन खींची ठीक है पी क्यू की ठीक है ना पी एंड क्यू ये हमने टेन सेंटीमीटर की लाइन खींची अब इसके बाद हम क्या करेंगे जी हमने क्या करना है पी पे सेंटर लेंगे कंपस की मदद से ठीक है और एक आर्क लगा देंगे ठीक है और वो टोटल नाइन टेन सेंटीमीटर का हो जाएगा एक तो ये मैंने जी पॉइंट पी पर टेन सेंटीमीटर का एक आर्क लगा दिया अच्छा जी इसके बाद थर्ड पॉइंट जो है क्यू अच्छा क्यू पे मैं सेंटर पे रखूंगा कंपस को और ठीक है और नाइन सेंटीमीटर खोलकर मैं इसको एक लाइन यू खींच दूंगा अच्छा जी आफ्टर दैट मैंने क्या करना है जी मैंने इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देना यू तो ये आपका जी हो जाएगा एसोस ट्राइंगल <coughs> तो ये आपका टेन टेन सेंटीमीटर हो जाएगा तो ये टेन है ठीक है ये भी टेन सेंटीमीटर हो जाएगा और ये आपका नाइन सेंटीमीटर हो जाएगा और ये आपका पी क्यू आर हो जाएगा ठीक है तो ये आपका हो गया अच्छा इसके बाद जो एंगल पी है वो आपने प्रोटेक्टर से यहाँ पे देखना है ठीक है और देखना है कि ये कितना है ठीक है ना इसको आपने फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा जी आ, एंगल क्यू सॉरी क्यू एंगल पी आर विल बी इक्वल टू तो ये हो जाएगा फिफ्टी फोर डिग्री ठीक है तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है अच्छा जी अब हमने जाना है क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ क्वेश्चन नंबर फोर जो है इसमें आपको क्या कह रहे जी कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड्स नाइन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ईच ठीक है तो अब हमने क्या करना है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन पहले लिखेंगे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ठीक है अच्छा जी तो सबसे पहले जी ड्रॉ अ लाइन ड्रॉ अ लाइन पी क्यू नाइन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर अच्छा जी सबसे पहले हमने क्या करना है नाइन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर की जो है हमने लाइन खींचनी है विद द हेल्प ऑफ स्केल ठीक है अच्छा जी ये हो गया अब हमने क्या करना है सेकेंड uh, स्टेप क्या होगा हमारा ये होगा कि एट पॉइंट पी या एट सेंटर एट पॉइंट पी ठीक है ड्रा एन आर्क ड्रॉ एन आर्क वन ड्रॉ एन आर्क वन ठीक है ड्रॉ एन आर्क वन ऑफ लेंथ नाइन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर अच्छा जी फिर जो थर्ड पॉइंट हमारा होगा वो क्या होगा जी हमने लिखना है एट पॉइंट क्यू ठीक है दैट विल बी सेंटर अच्छा ड्रॉ एन आर्क ड्रॉ एन आर्क टू ठीक है ऑफ लेंथ नाइन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर अच्छा जी इसके बाद हमने क्या करना है जी फोर्थ पॉइंट ज्वाइन आर टू पी एंड क्यू टू गेट ट्राइंगल बी क्यू आर ठीक है अच्छा जी अब ये तो हो गया जी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन अब हमने क्या करना है जी हमने इसको ड्रॉ करना है सिंपल है इतना मुश्किल नहीं है सिंपल है देखिए देख इसके सारे जो साइड्स हैं वो एक ही हैं तो हम पहले पी क्यू लाइन खींचते हैं ठीक है इस तरह पी एन क्यू ये हो गई नाइन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर अच्छा इसके बाद हमने क्या करना है कैंपस की मदद मतलब से एंगल पी पे हम नाइन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ओपन करेंगे एक आर्क और यहाँ पे लगा देंगे और फिर क्यू पे नाइन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर खोल कर यहाँ पर सेकेंड आर्क लगा देंगे जैसे ही हो जाएगा इसको कनेक्ट कर देंगे इधर ठीक है ये तो मैं मैं रफ कर रहा हूँ आप लोगों ने इसको प्रोटेक्टर और कैंपस की मदद से करना है ये आपका जी हो गया ये नाइन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर हो जाएगा ये भी नाइन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर हो जाएगा तो ये सारे जो हैं बराबर है ठीक है सारी साइज बराबर है तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया तो जी अब हम मूव uh, ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या कह रहे हैं जी कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एक्स वाई ई सच दैट एक्स वाई इज टेन पॉइंट टू सेंटीमीटर एंगल वाई इज सिक्स एंड एंगल एक्स इज फोर्टी फाइव डिग्री मैयर एंड एक्स सेट अच्छा जी अब हम इसकी तरफ जाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं इतना मुश्किल नहीं है आसान है ठीक है तो अब हम स... जी क्वेश्चन नंबर फाइव जो है इसमें स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है ड्रा लाइन एक्स वाईल सबसे पहले जी हमने टेन पॉइंट टू सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है उसके बाद एट सेंटर एक्स कंस्ट्रक्ट एक्स एंगल एक्स इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री हमने जी एक्स पर रखना है प्रोटेक्टर को रख कर जी हमने फोर्टी फाइव डिग्री बनाना है ठीक है इसके बाद फिर है एट सेंटर वाई कंस्ट्रक्ट वाई एंगल सिक्सटी फिर हमने यहाँ पर प्रोटेक्टर रखना है इधर सिक्सटी डिग्री बनाना है और इसको जब हम आपस में मिलाएंगे तो यहाँ पर जेड पॉइंट बनेगा ठीक है जी पॉइंट बनेगा इसके बाद हमने क्या करना है जी एक्स और जेड की जो है एक्स और जी की जो मेजरमेंट है इसको हमने देखना कि ये कितने तो ये हो जाएगी नाइन पॉइंट वन ठीक है इसके बाद जी क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ आते हैं कंस्ट्रक्ट एंगल ए ब सी सच दैट ए बी इक्वल टू नाइन पॉइंट एट सेंटीमीटर बी सी इक्वल टू सिक्स पॉइंट फाइव सेंटीमीटर एंगल बी इज एटी एट अब यहाँ पर जो इन लोगों ने कहा कि ए सी को मेयर करें और उसके बाद परपर्निकुलर बाइसेक्टर भी बनाएं ए बी का ठीक है तो अब हमने क्या करना है अब हमने क्या करना है कि स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है ये कर लेंगे ठीक है ड्रा लाइन ए बी इक्वल टू नाइन पॉइंट एट सेंटीमीटर एट सेंटर बी ड्रा ए बी मतलब एंगल बी जो है वो एटी एट डिग्री हो जाएगा uh, इसके बाद जो है एट सेंटर बी ड्रा और कॉफ लेंथ सिक्स पॉइंट फाइव सेंटीमीटर विच किट सी अच्छा यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है ए बी की लाइन जो है ये हमने ड्रा करनी है स्केल से ठीक है इसके बाद बी पर हम जो है एटी uh, एटी एट डिग्री सेंटीग्रेड ड्रा करेंगे ठीक है जब 88 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रा कर लेंगे अच्छा इसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है एट सेंटर बी ड्रा एन आर्क ऑफ लेंथ 6.5 तो 6.5 जो है मैं कैंपस से खोलूँगा और यहाँ पे एक आर्क लगा दूँगा ठीक है तो जहाँ पे ये मीट करेगा उसी को फिर मैंने यहाँ पे ए के साथ कनेक्ट कर देना है जब ए के साथ कनेक्ट कर दोगे आप उसके बाद आपने क्या करना है जी ए लेंथ जो है ए लेंथ ये अलेवन सेंटीमीटर बन जाएगी इसको हमने लिखना है इसके बाद जी लेंथ ऑफ बी एस बी एस जो है वो आपका एंगल बाई है तो आपने क्या करना है हाफ से ज़्यादा जो है यहाँ पे इसको खोल लेना है ठीक है एक आर क्या लगेगा और इसके बाद एक आर क्या लगेगा ठीक है और सेम इस तरह नीचे भी आपने करना है तो ये आपका ए बी का एंगल बाई सेक्टर बन जाएगा बी एस फिर आपने जो है बी एस अब यहाँ पे ये जो एस है ना ये दिस इज़ एस पॉइंट ये एस और बी की कितनी मेजरमेंट है ये फाइव पॉइंट नाइन में ये हमने फाइंड करनी थी ठीक है तो ये आपका जी आ, पार्ट बी भी हो गया